आप इसलिए कीजिएगा, लाइफ कीजिएगा, नहीं अनलिस्टेड, ये अनलिस्टेड है। हाँ इसको ना दे, क्यों रखा ठीक पहले उठिए ना, पहले बैठिए आप, बैठिए आप, उठिए उठिए बस ये पोजिशन रखिएगा। बस ये रखिए, ठीक है ना। हाँ रेट चल रहे हैं, इक्कीस 22 सेकेंड हो रहा है। नमस्कार, मैं शर्मा कुमार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मेरे साथ जुड़ रहे हैं माले के विधायक सत्य देवराम जी, जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। खास करके इससे पहले भी इनका खबर चलाए थे और उस समय इन्होंने बात किया था कि 9 तारीख को, 9 बीत चुका है, 9 जनवरी में इनकी मुलाकात, उसके बाद शिक्षा मंत्री के बाद इनकी मुलाकात सीएम से मिला था टीआरटी को लेकर के और कंप्यूटर साइंस को लेकर के। उससे हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी रोड पर हैं और उस विद्यार्थी के साथ रोड पे जो है उनको रोड पर जाने का कब मिलेगा। सबसे पहले शिक्षा मंत्री से जाकर मुलाकात किया। देखिए उस समय जो हम लोगों की शिक्षा मंत्री से जो बात हुई जी, वो बात तो सारी हम आपको बता ही दिए हैं और अभी हम उसी पर विस्तार से बात करने के लिए आज 2 दिनों से पटना में है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम बात करें और इसका सलूशन निकालने की मांग करें। अभी हमको समय नहीं मिला है, अभी भी मैं उस इंतजार में हूँ क्योंकि आज हमारी बात वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से हुई है और उन्होंने कहा है कि अवश्य समय मिलेगा और हम भी आपके साथ रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको सीएम से मिलने के बाद टाइम मिलेगा पूरा और उसी लिए हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि वो जैसे वहाँ से सूचना आएंगे। हम इन विषयों पर और विषय है जिसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और विषय में और विषय आपके पास जी हमारे पास बहुत से चिंता के मुद्दे हैं जिस पर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। हमारा ये शुरू से ये रहा है कि जनता के मुद्दे पर सदन में भी हमने बात रखी है, उठाई है, मांग की है और फिर मिल करके भी हम बात करते रहते हैं क्योंकि पार्टी की एक दिशा रही है कि हम जनता के सवाल पर लगातार सरकार से बात करेंगे, लगातार सरकार पर दबाव डालेंगे क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो उस समय बात आई थी कि माले विभाग ले ले, मंत्रालय ले ले, मंत्री बन जाए। हमारी पार्टी ने फैसला किया कि अभी हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे लेकिन हम जन समस्याओं को लेकर के सरकार से हमेशा बात करेंगे। जो सरकार और जनता के बीच खाई बन गई है हम उस पर पूर्व का काम करेंगे और जनता के समस्याओं को लेकर के सरकार से बात करेंगे। चलिए आपकी पार्टी जो है सबसे पहले प्राथमिकता गरीब छात्र तीन जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर आपकी फोकस होती है। हम बात कर रहे हैं छात्र को लेकर के क्योंकि छात्र का कवरेज हम करना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात है, अभी जो यूपीएससी 3.2 जो रिजल्ट 1 का जो वेरिफिकेशन हो रहा है थम का या बहुत सारे चीज़ का वेरिफिकेशन हो रहा है ये पहले होना चाहिए। कहीं कहीं लगता है कि आयोग की थोड़ा एक गलती हुई है, अगर ये शायद वेरिफिकेशन पहले हो चुकी होती और पहले ही विद्यार्थी छट जाते तो जेन्यून विद्यार्थी जो आज बाहर भटक रहे हैं उस विद्यार्थी को हो चुका होता पहले ही वाला जो गलती अभी आयोग की तरफ हुई है। कहीं कहीं गलती हुई है क्योंकि अभी हम आज के ऊपर लोग देखे हैं दरभंगा में 2-3 लड़के अरेस्ट हुए हैं,
तकरीबन 300 लड़के भाग गए हैं, कोई आदमी कोई भी जाके हाथ धोने के बहाने से भाग गए हैं, क्योंकि वो फर्जी स्टूडेंट थे, सारे फर्जी स्टूडेंट पहले से बाहर होते, तो जो जनूम विद्यार्थी आज वोट होते वोट पड़ोते पढ़ाए हुए पढ़ाते थे, ये सब मुद्दे आप सरकार की नज़र में देंगे या आयोग को या मुख्यमंत्री को नज़र में दे रहे हैं? मैं इस विषय पर लोगों से पूरी बात की है और इन लोगों के जो भी सवाल हैं वो सब मेरे पास है, मैं उसी पर बात करने के लिए हम यहाँ डेरा डाले हैं और अभी डेरा डाले रहेंगे जब तक माननीय मुख्यमंत्री से इन विषयों पर बात नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तब तक आप जाने वाले नहीं तो यहाँ रहेंगे विद्यार्थियों के लिए है? जी, ये विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षकों के लिए है, और कुछ सवाल है मेरे पास, मैंने पहले कहा तो ये सारे सवालों को हम चाहते हैं कि ये चुनाव के पहले सबकी ये मांगे पूरी हो जाए, ये समस्या का समाधान हो जाए ताकि महागठबंधन और मजबूत हो जाए और हम लोग इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को बताएं और जनता की एक बड़ी गुणवत्ती हो और 400 सीट महागठबंधन की जीत हो, हम इस काम में लगे विद्यार्थियों को रियल देकर के। अच्छा, ये आपसे आश्वस्त हूँ विद्यार्थी कि आप जिस तरह से विद्यार्थी के लिए लगे हुए हैं, आपसे ये मिलना चाहते हैं, टाइम देना चाह रहे हैं और विद्यार्थियों को बात को रखना चाहते हैं, तो ज़्यादा विद्यार्थी है भी नहीं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं कि जो चाहते हैं कि नौकरी करना जो आउट है जो बाहर है थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए और आयोग के गलती कर रहे हैं, तो क्या आप आश्वस्त करेंगे कि उनकी रिजल्ट हो जाएगी आपके प्रयास से? देखिए, मैं प्रयास करूँगा, मैं उनके सवालों पर लड़ूंगा, मैं उनके सवालों को हल करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालूंगा, दबाव डालूंगा, जो भी तरीके होंगे मैं अपनाऊंगा और उसको हल कराने तक मैं लड़ूंगा, बात करूंगा और विश्वास है, भरोसा है कि ये सरकार निश्चित रूप से उस पर उचित कार्रवाई करेगी और उनके अनुरूप कार्य करेगी। चलिए लास्ट सवाल करते हैं सर, के पाठक के बारे में मुझे अभी शायद खबर चल रही है कि उनकी छुट्टी हो गई है, यानी रिजाइन दे दिए हैं या बाहर कर दिए गए हैं, उनके जगह कोई और पद भरते हैं, ये आपको आप कंसर्न क्या रहे हैं कहाँ तक की बात से? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो बात नहीं है, लेकिन अभी एक ये बात चल रही है कि के पाठक पर लगाम कसी जाए शिक्षा विभाग से, उनको किसी दूसरे विभाग में दिया जाए। अभी वो जो छुट्टी लेकर के गए थे उस छुट्टी को सरकार ने कुछ से बढ़ा दिया और विचार हो रहा है उनके बारे में और मुझे उम्मीद है कि के पाठक शिक्षा विभाग से हटाए जाएंगे। तो आपने सुना विधायक सत्यदेव राम जी को जिन्होंने कहा, साफ साफ कहा कि हमारी अंतिम लड़ाई तक लड़ते रहेंगे उन छात्रों के लिए जो छात्र अभी बोर्ड पे हैं, उनको बोर्ड पर लाने के लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी जेन्युइन विद्यार्थी हैं जो छोटी छोटी गलतियों के कारण, आयोग की भी गलती छोटी छोटी गलती है, उस गलती के कारण विद्यार्थी जो बाहर है उस विद्यार्थी को हम लोग CM हाउस में जाएंगे, नीतीश कुमार से मिलेगा, उस विद्यार्थी को हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं शंभु कुमार कैमरा जर्नलिस्ट यशो धर्मा के साथ पटना, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर अभी बुला देंगे तो फिर कल आपको हम